नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। चलिए, कल हम लोगों ने क्या किया था कि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए थे, मात्रा काल के आधार पर स्वर भी हो गया था। आज हम लोगों को देखना है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। चलिए, तो बिना समय लिए हुए हम लोग आते हैं और देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। देखिए, अगर जिह्वा के आधार पर स्वर की बात की जाए, जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वर अगर जिह्वा के आधार पर स्वर की बात की जाए तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कुल तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? तीन भेद होते हैं। अच्छा, अब यह जो जिह्वा के आधार पर स्वर को बांटा गया है भैया, तो कैसे बांटा गया है? बातें होती है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा कितना आगे आ रही है, कितना पीछे जा रही है, किस स्थिति में वह रुकी हुई है, इस आधार पर हम जिह्वा को कितने भागों में बांटते हैं भैया? तीन भागों में बांटते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर आगे जा रही है, पीछे जा रही है, मध्य में रुकी हुई है, तो इस आधार पर तीन भाग में होंगे, तो तीनों भाग कौन कौन से होंगे? तो पहला हो जाता भैया अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्र भाग से निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, अग्र भाग का मतलब जिह्वा का जो अग्र स्थिति होती है वो क्या होती है भैया? अग्र स्वर कही जाती है। दूसरा होता भैया मध्य स्वर। मध्य स्वर ऐसे स्वर जो जिह्वा के मध्य भाग यानी जिह्वा अपनी स्थिति पर यथावत रुकी रहती है और उससे जो स्वर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अच्छा, तीसरा होता भैया पश्च स्वर। पश्च स्वर ऐसे स्वर जो जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं, यानी जब हम इसको बोलते हैं, इस स्वर को, पश्च स्वर को जब हम बोलते हैं तो जिह्वा हमारे पीछे की तरफ जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया? पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसमें आते कौन कौन से स्वर हैं। चलिए, अग्र स्वर में आता है भैया ई और बड़ी। ई और ई से मिलकर देखिए, जो ई और ई के बाद अगर देखिए आ क्या आ के बाद ई अथवा ई आएगा तो क्या बनता है? ए। यानी इन्हीं स्वरों से मिलकर ए भी बनता है जिसमें ई का उच्चारण होता है, तो इसमें भैया ए और ए भी आ जाएंगे। ठीक, ये चार स्वर क्या होते हैं भैया? अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में केवल आपका आता है आ। ठीक, इसके बाद भैया पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपका आ जाएगा आ। देखिए, जब हम आ बोलते हैं आ, तो अ आ, आ में जी हो पीछे की तरफ जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक, आ हो गया। अच्छा, इसी में आएगा भैया आपका छोटा उ, बड़ा उ। ठीक, इसी में आएगा आपका ओ, इसी में आएगा भैया आपका आ। ये हो गया। कभी कभी जो अंग्रेजी का स्वर आ होता है, देखिए ये आगत स्वर होता है, इसको भी पूछ लेता है, अगर पूछेगा भैया तो वो भी क्या होता है? पश्च स्वर में होता है। अच्छा ठीक, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, अगर कभी आपसे पूछेगा कि अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है, तो आप कुछ मत करिएगा, केवल आपको याद करिएगा
अ क्या है, अग्र स्वर है, आप इसी को केवल याद, मध्य स्वर है, इसी को केवल याद करिए। बाकी जिसमें तीन बन जा रहा, देखिए यहां पर तीन आपका बन रहा है, ये देखिए तीन बनाना, इधर भी देखिए तीन, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, बाकी जहां तीन जैसा बन जा रहा है उस सब के सब क्या होंगे भैया, आपके पश्च स्वर होंगे, ठीक। और जब इसको याद कर लिए, आ को छोड़कर बाकी तीन वाले सब स्पष्ट होंगे। अब जब तीन जिसमें नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अग्र। इसलिए आपसे अगर पूछेगा जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं भैया, तो जिह्वा के आधार पर तीन स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के बाद आता है ओष्ठ ना, यानी जिह्वा से हम आगे आते हैं ओष्ठ। तो हमसे पूछ सकता है ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर ओष्ठ के आधार की बात करें, देखिए ओष्ठ के आधार पर स्वर, देखिए अगर ओष्ठ के आधार पर स्वर की बात करता है तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो भैया केवल दो भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अच्छा ये दो भेद होते कौन कौन से हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा। पहला होता है गोली स्वर, अच्छा दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, गोली देखिए ऐसे होता है भैया, एक गोली है, ठीक। अब क्या होता है, गोली का मतलब एक गोली जैसे नहीं, यानी जिसमें ओष्ठ की आकृति गोलाकार बनती है उसे हम क्या कहते हैं, गोली स्वर कहते हैं। तो गोली इसी को आप कहते हैं भैया वृत्तमुखी, गोली या वृत्तमुखी। दूसरा होता भैया अगोली, अगोली या अवृत्तमुखी। अगोली या अवृत्तमुखी, देखिए गोली या वृत्तमुखी का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति गोलाकार होती है या वृत्ताकार हो जाती है। जैसे आप कहते हैं भैया जो आपके ओष्ठ होते हैं, या जैसे ऊ में आपके ओष्ठ क्या गोलाकार हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोली स्वर कहते हैं या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिसमें ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है, जैसे ई ई में देखिए हमारा मुख चौड़ा होता है, मतलब इधर की तरफ भागता है ना। अब आप गोलाकार मुंह बना के ई ऐसे तो करेंगे नहीं, तो आप क्या करते हैं भैया, मुख चौड़ा होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से स्वर आ सकते हैं। देखिए वृत्तमुखी में आपका आता है भैया वृत्तमुखी में आपका आ जाएगा उ और बड़ा उ, ऊ और औ, ठीक। यह किस में आएगा आपका, वृत्तमुखी में आ जाएगा, ठीक। अच्छा अगर अवृत्तमुखी या अगोली की बात करेंगे, अवृत्तमुखी या अगोली, अब अवृत्तमुखी अगोली में आ जाएगा भैया आपका आ छोटी बड़ी ए और ए, किस में आ जाएगा भैया, अगोली या अवृत्तमुखी में, ठीक। तो अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर कभी भी देखिए जो उच्चारण आ का होता है,
वही उच्चारण आपके आगत आ का होता है, कुछ किताब वाले भी ऐसे दे देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यही होता है अंतर। अगर यह गोली होगा तो वो भी गोली होगा, यह अगोली है तो ये भी अगोली है, ठीक ध्यान दीजिएगा। अच्छा होता क्या है, अगोली ये भी है तो अगोली ये भी हो, होता क्या अगर इसका उच्चारण कंठ है तो इसका भी उच्चारण कंठ होगा, ठीक, यह अगर पश्च है तो यह भी पश्च होगा, सब कुछ वही होता है, बस अंतर एक चीज का होता है, यह आपके हिंदी का स्वर है और यह आपका आगत स्वर है, बस इतना सा अंतर होता है और कोई अंतर होता नहीं है, ठीक। चलिए भैया आगे चलते हैं, अब अगर आपसे पूछता भैया मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, देखिए के आधार पर स्वर, देखिए अगर मुख के आधार पर स्वर की बात करता है तो मुख के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं, ठीक। अब ये होते चार कौन कौन से हैं, चलिए पहला होता भैया, इसमें पहला मुख के आधार पहला पहला होता भैया विवृत, ठीक पहला विवृत, दूसरा होता है अर्ध विवृत, पहला विवृत दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा होता भैया संवृत, और चौथा होता है आपका अर्धसंवृत, विवृत अर्ध विवृत संवृत और अर्धसंवृत। देखिए विवृत का मतलब होता है कि मुख द्वार का पूरा, देखिए मुख के आधार पर है, इसको आप कह सकते हैं मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, इसी को आप कह सकते हैं मुख खुलने के आधार पर भैया, चाहे मुख के आधार पर कहिए और चाहे मुख खुलने के आधार पर कहिए, यानी मुख कितना खुलता है इसमें, ठीक, कैसे खुलता है, किसके उच्चारण मुख पूरा खुल जाता है, किसके उच्चारण मुख आधा खुलता है, किसके उच्चारण मुख बंद सा होता है, किसमें आधा बंद सा होता है, बस यही होता है। विवृत का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वारा पूरा खुला होता है, आप कह सकते हैं भैया ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया विवृत कहते हैं, अर्ध विवृत यानी मुख द्वार का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं भैया मुख द्वार का, यानी ऐसे सब जिनके उच्चारण मुख द्वार आप मुख द्वार का आधा खुला होना, थोड़ा शॉर्ट में हम लिख देते हैं आधा
खुला होना, यानी इनके उच्चारण भैया मुख द्वार आधा खुला होता है, आधा खुला होना। समृत, समृत का था भैया मुख द्वार का लगभग बंद होना, यानी इसमें मुख द्वार लगभग बंद सा होता है भैया, ठीक। अच्छा, अर्ध समृत, अर्ध समृत कहता है मुख द्वार का लगभग लगभग आधा बंद होना, मुख द्वार का लगभग आधा बंद होना, ठीक। यानी जिसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है उसको अर्ध समृत कहते हैं। अब हमको देखना भैया इसमें आते कौन कौन से स्वर हैं, ठीक। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, जिसे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, विवृत स्वर कहते हैं। इसमें आता है आपका आ, केवल आ आता है। अब हम बोलते हैं आ, देखिए आ में हमारा मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुला होता है भैया, ठीक। अच्छा, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में आता है भैया आपका आ आता है आई और औ। देखिए आई और औ को वृद्धि स्वर भी बोलते हैं, यानी इनको वृद्धि स्वर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, समृत, समृत मुख द्वार का लगभग बंद होना, ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार लगभग बंद सा होता है, तो इसमें आएगा भैया आपका मुख द्वार का लगभग बंद होना, इसमें आएगा आपका उ, बड़ा उ, ई और बड़ी, जिसे आप कहते हैं उ, देखिए आप ऐसे बोल के कुछ खा सकते नहीं, इसमें मुख द्वार पूरा बंद रहता है। उ, देखिए कुछ नहीं अंदर जाएगा, मुख द्वार पूरा बस श्वास निकलने भर का जगह होता है बस। अच्छा, मुख द्वार का लगभग आधा बंद होना, यानी ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है, तो जितने गुड़ स्वर होते हैं, गुड़ स्वरों की संख्या दो ना, ए और ओ, तो इसमें आपका आ जाएगा ए और ओ, ये दोनों क्या होते हैं, गुड़ स्वर होते हैं, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अगर आपसे पूछता है मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं भैया, तो मुख के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा मुख खुलने के आधार पर, तो भी भैया वही चार ही भेद हैं, ठीक। ओष्ठ के आधार पर पूछेगा, तो ओष्ठ के आधार पर वर्ण के स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। बाकी इसके पहले भैया जिह्वा के आधार पर आप देख चुके हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। अभी हम कुछ चीजें देखेंगे कि ये जो स्वर होते हैं इसमें कुछ यूनिक चीजें क्या होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलिए भैया, अगर हम देखते हैं आपसे पूछेगा कि गुड़ स्वर कितने होते हैं, अभी हम जस्ट आपसे बात किए थे भैया गुड़ स्वर, जब आपसे बात करेगा गुड़ स्वर की ना, तो ध्यान दीजिएगा गुड़ स्वर दो होते हैं, ए और ओ, ए और ओ को आप क्या कहते हैं, गुड़ स्वर कहते हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है, जैसे पिछली बार टेट में पूछा था ना, देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछेगा भैया, आप कोई भी एग्जाम दीजिए ना, जरूर नहीं उसने पूछेगा इसमें नहीं पूछेगा, इसमें पूछा तो उसमें नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। पिछली बार पूछा था निम्न में दीर्घ स्वर है, और ऑप्शन क्या दिया था आप जानते हैं भैया, कि ऑप्शन में दिया था आपका दीर्घ स्वर पूछा था, ऑप्शन में दिया था ओ,
अ बड़ा उ आए, सॉरी आए ना, तो यही ऑप्शन विचार दिया था। अब आपसे पूछ दिया था दीर्घ स्वर, अब हमको पता है भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीन दीर्घ हैं। लेकिन जब दीर्घ की बात किएगा तो जो ऐसे अगर पूछेगा, तो हमने आपको बताया था भैया मूल दीर्घ ना, जिस दिन हम आपको मात्रा काल के आधार पर स्वर पढ़ा रहे थे, उस दिन देखिए दीर्घ के दो भाग हमने किए थे, एक मूल दीर्घ, एक दीर्घ संयुक्त। जो मूल दीर्घ होते हैं उनको दीर्घ कहते हैं, और जो दीर्घ संयुक्त होते हैं उनको संयुक्त भी कहते हैं। तो भैया ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, संयुक्त में भी एक गुण स्वर है और यह आपका वृद्धि स्वर है। अभी हम लिखवाते हैं कि वृद्धि स्वर कौन कौन से होते हैं, और यह आपका दीर्घ स्वर है, यह आपका लघु स्वर है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए आते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा भैया, ठीक, पूछेगा वृद्धि स्वर, अगर वृद्धि स्वर की बात करेगा तो ऐ और औ को वृद्धि स्वर कहते हैं, ऐ और औ को क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपसे कभी गलती से पूछ लिए भैया आगत स्वर, तो अभी उसकी चर्चा हम किए थे, आगत स्वर, आगत स्वर आपका क्या होता है, आ होता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से पूछ लिए भैया अमात्रिक स्वर, ये सब देखिए स्वरों से प्रश्न पूछा जाता है, अमात्रिक स्वर, अगर अमात्रिक स्वर की बात करेगा तो अमात्रिक स्वर केवल आ होता है। और अगर आपसे पूछेगा भैया हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल आपकी 10 मात्राएं होती हैं। देखिए स्वर कितने होते हैं, 11। अगर आपसे पूछेगा, पहले इसको हम देख लेते हैं, अमात्रिक स्वर हो गया, फिर आपसे पूछेगा भैया अर्ध स्वर, कॉमन सा चीज है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब ऐसे कौन से वर्ण होते भैया जो आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं, ठीक, उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर में आता कौन कौन सा है भैया, इसमें आएगा आपका य और व। अब आप कहेंगे सर जी ये अर्ध स्वर होते कैसे हैं, तो ठीक भैया इसको भी हम बता देते हैं। देखिए जो या और वह होता है भैया, या बनता है भैया ई प्लस आ से, ध्यान दीजिएगा ये दोनों स्वर हैं, मिलते स्वर हैं, बनता व्यंजन है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। वह बनता है ऊ प्लस आसे, मिलता स्वर है और बनता व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा संस्कृत में 4 अर्धस्वर होते हैं, ठीक, या व र ल। तो हिंदी में र और ल को अर्धस्वर नहीं माना जाता, क्योंकि री से अ मिलेगा तो र बनेगा, और री से अ मिलेगा तो ल बनेगा, यहां पर केवल दो ही माने जाते हैं। तो हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है भैया, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब मैंने कहा भैया कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिएगा, तो इसमें होते भैया 11 स्वर अ ई बड़ी उ बड़ा उ बड़ा उ री री ए
आई ओ आओ। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अच्छा बड़े अ और आ को मैंने नहीं लिखा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सोच रहे हैं कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, अ और आ, अभी 11 हो गए। अब देखिए आपसे पूछेगा, भैया मैंने कहा कुल मात्रा कितनी होती है, 10, यानी इसमें ऐसे स्वर होते हैं, 10 ही ऐसे स्वर होते हैं जिनकी मात्रा होती है। देखिए अ भैया अमात्रिक स्वर है, अ क्या है, अमात्रिक है, यानी इसको भैया अमात्रिक स्वर कहते हैं, यानी अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक, आ की मात्रा होती भैया, ठीक, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा उ की मात्रा होती है, बड़ा उ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। ठीक, आप ऐसे लिखते हैं, अच्छा ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा भी होती है, ठीक, ओ की मात्रा होती है, ठीक, और औ की भी मात्रा होती है। ध्यान दीजिएगा ये मिला के कुल कितने हो जाते हैं, 10। इसलिए अगर कभी आपसे पूछे कुल मात्रा कितनी होती है, तो कुल मात्रा 10 होती है। मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रिक स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, गुण स्वर कितने होते हैं, तो अब ए और ओ होते हैं, गुण स्वरों की संख्या 2 होती है भैया। वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वृद्धि स्वरों की संख्या 2 होती है। आगत स्वर कितना होता है, तो आगत स्वर केवल 1 होता है। अमात्रिक स्वर कौन सा होता है, तो मात्रिक स्वर केवल 1 होता है। अर्ध स्वर कितने होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं 2। ठीक, अब इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, बाकी अब स्वर में हमको नहीं लग रहा कुछ बचा हुआ है। ठीक, आपके स्वर का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हाँ अगर कभी आपसे पूछेगा संख्याओं में पूछ ले, तो अगर पूछे कुल स्वर ठीक, तो कुल स्वर भैया आपके 11 होते हैं। ध्यान दीजिएगा कामता प्रसाद गुरु ने, आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, कामता प्रसाद गुरु हो गए, हरदेव बाहरी जी हो गए, हरदेव बाहरी जी हो गए, पीएन पांडे जी हो गए, तो इन सबों ने भैया स्वरों की कुल संख्या कितनी मांगनी है, तो 11 मानी है। ठीक, विश्वनाथ जी हो गए, तो स्वरों की संख्या 11 मानी है। तो इसलिए अगर कभी आपसे पूछता है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज आप ये भी जानते रहिएगा भैया, जो स्वर होते हैं, एक पॉइंट और थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, अगर पूछेगा कभी तो ध्यान दीजिएगा, स्वर किसी भी वर्ण में, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्वर किसी भी वर्ण में सदैव पीछे से जुड़ते हैं,
अगर किसी भी वर्ण में स्वर कभी जुड़ता है भैया, तो वह पीछे से ही जुड़ता है। जैसे अगर हम क में जोड़ना चाहें ऊ, तो भैया ऊ को हम पहले लिख देंगे तो ये गलत है। देखिए ऊ धन क, तो ये चीज अब नहीं जुड़ेगा, ठीक, लेकिन ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, कु, ठीक। अच्छा दूसरी चीज आप जानते रहिएगा, एक पॉइंट और, किसी भी वर्ड में, किसी भी व्यंजन में किसी भी व्यंजन में स्वर सदैव सदैव मात्रा के रूप में जुड़ता है। यानी कभी भी किसी व्यंजन में अगर स्वर जुड़ेगा भैया, तो वह किसके रूप में जुड़ेगा, मात्रा के रूप में जुड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज, स्वर जब कभी किसी व्यंजन से, अलग होता है, तो वह मूल रूप में अलग होता है। तो वह मूल रूप में अलग होता है, यानी जुड़ता है मात्रा के रूप में, लेकिन अलग होगा तो मूल रूप में अलग होगा। जैसे यहां क में उ जुड़ा, और अगर हम भैया क पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, उ, मूल रूप में निकलता है। जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में और निकलेगा तो मूल रूप में, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए तो इतनी चीजें आप जानते होंगे भैया, अब ये चीजें आपको समझ में आई होगी। जहां जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पुनः देखते हैं व्यंजन को, स्वर को आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।